वेलकम बैक टू क्विक एंड डिलिशियस क्यूज़ीन। और आज की क्विक और डिलिशियस रेसिपी है बूंदी रायता। ये भी बहुत ही क्विक बनती है और इसको आप राइस और बाकी सालन वगैरह के साथ साइड डिश के तौर पे यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे हमने योगर्ट लिया है जो कि 500 ग्राम योगर्ट है। आप अपने रायता की क्वांटिटी के हिसाब से योगर्ट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ हमने ये बूंदी ली है जो कि रेडीमेड मिल जाती है बूंदी। ये तकरीबन 1.5 से 2 कप बूंदी है, तो मैंने घर पे नहीं बनाई, मैंने रेडीमेड वाली मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, बहुत क्विक होती है। इधर हमने थोड़ा सा मिल्क लिया है, 1 कप मिल्क है। ये पूरा यूज़ नहीं होगा, बस योगर्ट को थोड़ा सा पतला करने के लिए ये हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे प्याज ले ली है जो कि एक मीडियम साइज़ प्याज है जिसको कि मैंने ऑमलेट की तरह क्यूब्स में काट लिया है। टोमेटोज भी तकरीबन हाफ टोमेटो है मीडियम साइज़ का जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है। इसके साथ मेरे पास धनिया है गार्निशिंग के लिए और रायता में डालने के लिए। यहाँ पे मेरे पास 2 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको कि मैंने बारीक काट लिए। हमने 2 पोटैटोज़ लिए थे मीडियम साइज़ के जिनको बॉयल करके क्यूब्स में काट लिया। और बाकी के मसालों में या बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मेरे पास सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, काला नमक भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा हम ऊपर से स्प्रिंकल भी करेंगे वो अलग से होगा। और यहाँ पे मेरे पास क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1/2 टीस्पून है। और अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले हमने बूंदी के अंदर पानी डालना है। आपने इतना पानी डालना है कि बूंदी जो है ना वो इसके अंदर सारी जो है वो डूब जाए एक तरह से। और पानी जो है वो आपने थोड़ा सा वार्म या थोड़ा सा गर्म नीम गर्म पानी डालना है। और इसको हमने बस 10 मिनट के लिए इसको पानी में सोक करना है। और उसके बाद आप अपने हाथ से चेक कर सकते हैं कि अगर ये बूंदी सॉफ्ट होगी है तो इसका मतलब है कि रेडी है। और इसको फिर हम जो इसका पानी ड्रेन कर लेंगे, उसको ड्राई करके फिर हम इसका रायता बनाएंगे। सो बूंदी को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं। एक और शॉर्टकट है बूंदी को जल्दी से क्विकली सॉफ्ट करने का, वो ये है कि आप बूंदी में पानी डालें और आप उसको माइक्रोवेव में तकरीबन 60 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए रख दें और वो विदिन 2-3 मिनट्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया, इसके अंदर हम ये योगर्ट डाल देंगे और योगर्ट को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके जो है वो लम्प्स वगैरह इसमें नहीं रहें और ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर हो जाए योगर्ट का, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। पहले इसको ये हम अच्छे से बीट करेंगे, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क या दूध ऐड करेंगे इसको इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि ये बूंदी जो है वो पानी सॉरी योगर्ट को सोक करती है और इसकी वजह से वो जो है ना वो योगर्ट को थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब ये इसकी लम्स टूट गए सारे, अब मैं इसके अंदर ये मिल्क डाल रही हूँ। तो तकरीबन 1/2 कप मिल्क है, थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ क्योंकि अभी भी मुझे ये योगर्ट जो है वो ठीक लगे। अब ये योगर्ट बिल्कुल सही है, अगर हमें ठीक लगे तो हम इसमें थोड़ा सा जो है दूध जो है वो बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हमने ये सारे नमक वगैरह और चाट मसाला वगैरह डाल देना है। और टमाटर आप चाहें तो सिर्फ बूंदी और जो है वो धनिया वगैरह से भी बना सकते हैं, ग्रीन चिली से भी। प्याज टमाटर नहीं भी डालना चाहें तब भी ये अच्छा बन जाता है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें डालते हैं तो टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इन्हेंस हो जाता है। तो ग्रीन चिली जाएगी, आप चाहें तो पोटैटोज़ भी स्किप कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो, बस बूंदी को क्विकली माइक्रोवेव में आप करके और जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें योगर्ट में डाल दें। और क्योंकि पोटैटोज़ को भी बॉईल करने में टाइम लगता है तो अगर आप कभी क्विक चाहिए तो आप जो है वो बस इसको
बूंदी के साथ भी रायता बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डाल के हमने ऐसे मिक्स करना है योगर्ट में, और आप देख सकते हैं कि योगर्ट की कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसे क्रीमी क्रीमी सी है। इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, और ये देखें इसी तरह से बूंदी का रायता होता है, और इसी तरह से थिक थिक योगर्ट में ये अच्छा लगता है। और तो ये रायता हमारा रेडी है, अब हम इसको सर्विंग डिश में या सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सो बूंदी रायता रेडी है, आप इसको राइस के साथ या किसी भी डिश के साथ जो है वो साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को आज ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आवर रेसिपीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।